हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के विश्व रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं अनादिम, अनादि मध्य अंतम। तो जिनका आदि नहीं है, ना मध्य है ना अंत है, तो भगवान के रूप में अर्जुन को ना तो आदि दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ है। उनके पास दिव्य दृष्टि है, असीमित है, देख सकते हैं, लेकिन तो भी भगवान के रूप का आदि नहीं दिखाई पड़ रहा कि कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, और मध्य ना मध्य बीच का दिखाई पड़ रहा है कि बीच किसको बीच का कहेंगे, ना अंत दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो ये भगवान का ऐसा जो रूप है आदि मध्य और अंत से रहित है। फिर अनंत वीर्यम, और जो पराक्रम है वो असीमित, कोई अंत ही नहीं है। कितना पराक्रम है भगवान के शरीर में, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत बाहुम, और भुजाओं की संख्या भी गिनी नहीं जा सकती है, कितनी है, अनंत भुजाएं हैं। शशि सूर्य नेत्रम, और नेत्र सूर्य और चंद्रमा ही नेत्र हैं। फिर पश्यामि त्वाम दीप्त होताश वक्त्रम, और आपके मुख कैसे हैं, दीप्त होताश यानी अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, आपके मुखों में क्या है, प्रज्वलित अग्नि है। तो भगवान के शरीर में तापमान नहीं है कि भगवान के शरीर से ताप निकल रहा हो और अर्जुन झुलस रहे हो, नहीं, प्रकाश है भगवान के शरीर में लेकिन ताप नहीं है। और मुखों में जो है, जो ताप है वो कैसा है, प्रज्वलित अग्नि है उनके मुखों में। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, और अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं। तो हम सुनेंगे कि प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इसकी कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 16 में अर्जुन ने कहा था कि वे श्री कृष्ण के विश्व रूप के आदि मध्य तथा अंत को नहीं देख रहे हैं। उस समय अर्जुन ने अपनी दृष्टि श्री कृष्ण के अनेक मुखों पर डाली तथा उनकी अनेक भुजाओं पर दृष्टि डाली, तो उन्हें दिखाई दिया कि श्री कृष्ण के जितने मुख हैं उनमें से प्रत्येक मुख के सिर पर मुकुट है। श्री कृष्ण की जितने भुजाएं हैं उनमें से किसी भुजा में वे गदा धारण किए हुए हैं, तथा किसी में भुजा में वे चक्र धारण किए हुए हैं। इस प्रकार अर्जुन ने श्लोक संख्या 17 में कहा कि हे देव, मैं आपके प्रत्येक सिर पर मुकुट देख रहा हूँ, तथा प्रत्येक भुजा में या तो गदा अथवा चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको मैं सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज देख रहा हूँ, तथा प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान कांतिमान देख रहा हूँ। अब अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ जानने योग्य तत्व हैं। अतः वे श्लोक संख्या 18 में कहते हैं कि हे देव, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब अर्जुन ने विचार किया कि उन्होंने श्लोक संख्या 16 में श्री कृष्ण के विश्व रूप के विषय में तो बताया था कि उनके विश्व रूप का आदि मध्य तथा अंत नहीं है, परंतु उनका पराक्रम भी तो ऐसा ही है कि उनके पराक्रम का भी आदि मध्य तथा अंत नहीं है। अतः अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं कि उनके पराक्रम का भी ऐसा ही गुण है
अर्जुन इस श्लोक में चार अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम, अर्थात आपके पराक्रम का आदि मध्य तथा अंत नहीं है और आपका पराक्रम अनंत है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, जिस प्रकार आपके रूपों का आदि मध्य तथा अंत नहीं है, उसी प्रकार आपके पराक्रम का भी आदि मध्य तथा अंत नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम का आदि नहीं है। ये समझने की बात है कि सामान्य व्यक्ति के पराक्रम का आदि होता है। जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उसमें कोई भी पराक्रम नहीं होता है, परंतु श्री कृष्ण में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने जिस समय जन्म लिया था उस समय भी उनका पराक्रम अनंत था। जिस समय श्री कृष्ण 6 दिन के शिशु थे उस समय भयानक पराक्रम वाली पूतना राक्षसी ने ये समझकर कि श्री कृष्ण में कोई पराक्रम नहीं है, श्री कृष्ण को अपना विष लेपित स्तन पिलाया, परंतु श्री कृष्ण में उस समय भी अनंत पराक्रम था, इसलिए उन्होंने उसके स्तन में लगा हुआ विष भी पी लिया तथा स्तन से ही उसके प्राण निकाल लिए। जिसमें पूतना पृथ्वी पर गिरी उस समय उसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा था तथा उसका शरीर इतना सुदृढ़ था कि उसके शरीर के नीचे के वृक्ष चूर्ण हो गए। श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, इसलिए श्री कृष्ण ने पूतना के इतने विशाल शरीर को ऐसे स्थान पर गिराया जहाँ पर किसी भी ब्रजवासी का घर नहीं था। श्री कृष्ण ने अपने अनंत पराक्रम से पूतना के शरीर को इस प्रकार नियंत्रित किया कि पूतना का शरीर केवल उसी स्थान पर गिरा जहाँ पर 18 किलोमीटर की दूरी पर केवल वृक्ष ही थे, कोई पशु या मनुष्य नहीं था। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम का कोई आदि नहीं है। अब दूसरी बात अर्जुन ने कही है मध्यम, कि मध्य भी नहीं है पराक्रम का। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम का मध्य नहीं है। ये समझने की बात है कि सामान्य व्यक्ति का जिस समय जन्म होता है उस समय उसमें कोई पराक्रम नहीं होता है, फिर उसमें पराक्रम धीरे धीरे विकसित होता है तथा एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर उसका पराक्रम घटने लगता है, ये उसके पराक्रम का मध्य बिंदु है। परंतु श्री कृष्ण में ऐसा नहीं है। इस समय श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष है तथा उनकी 16108 पत्नियों के द्वारा 10-10 पुत्र तथा 1-1 कन्याएं हो चुकी हैं। उन पुत्रों के विवाह हो चुके हैं, फिर उनके पुत्रों के भी पुत्र हो चुके हैं, परंतु श्री कृष्ण के पराक्रम में कोई कमी नहीं आई है। जिस समय श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में गए थे उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण के पराक्रम में कमी समझकर उन्हें बंदी बनाने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार की थी। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, ये श्री कृष्ण अनंत पराक्रमी हैं, इनके पास आकर संपूर्ण सेना जलती हुई आग में गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएगी। जिस समय क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण सेना को नष्ट कर देंगे। ये श्री कृष्ण काल के भी काल हैं, ये अपने पराक्रम से समस्त कौरवों का नाश कर देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम का मध्य नहीं है। अब अर्जुन ने तीसरी बात क्या कही, अनंत, अंत नहीं है पराक्रम का। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम का अंत नहीं है। ये समझने की बात है कि सामान्य व्यक्ति की जिस समय वृद्धावस्था आती है उस समय उसका पराक्रम घटने लगता है तथा अंतिम समय में पराक्रम समाप्त हो जाता है तथा उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण में ऐसा नहीं है। जिस समय श्री कृष्ण प्रभास में अपनी लीलाएं समाप्त करके परम धाम जाने की तैयारी कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया, क्योंकि उनमें अनंत पराक्रम था। जिस समय शरीर में पराक्रम समाप्त हो जाता है उस समय जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में अनंत पराक्रम है अतः उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है तथा संपूर्ण जगत का आश्रय है तथा ध्यान का लक्ष्य है, अतः अपने शरीर के ही साथ श्री कृष्ण अपने धाम में गए। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम का अंत नहीं है। फिर अर्जुन ने अन्य बात
कही कि हे देव, आपका पराक्रम अनंत है, ये बात अलग है। अर्जुन ने पहले ये बात कही थी कि श्री कृष्ण के पराक्रम का आदि मध्य तथा अंत नहीं है, तो ये बात तो काल शक्ति के अनुसार कही थी कि श्री कृष्ण के पराक्रम में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु फिर ये प्रश्न उठता है कि यद्यपि श्री कृष्ण के पराक्रम में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी हो सकता है कि श्री कृष्ण का पराक्रम सीमित हो। तो इस शंका के उत्तर में अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम की मात्रा भी अनंत है, अर्थात असीमित है। इसलिए अर्जुन की ये बात पहले की बात से बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण के पराक्रम की मात्रा असीमित है, इसीलिए वे अपने शरीर के एक अंग में संपूर्ण जगत को इस प्रकार धारण करते हैं, मानो उन्हें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पराक्रम की मात्रा भी अनंत है। तो इसका मतलब यह है कि पराक्रम का अंत काल के द्वारा होता है, तो इसलिए वो काल के अनुसार कृष्ण के पराक्रम का अंत नहीं होता है, तो इस प्रकार से अनंत कहा। लेकिन दूसरी बार जो अनंत कहा है, वो अनंत का मतलब क्या है, मात्रा, पराक्रम की मात्रा अनंत है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात अर्जुन ने कही, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, अर्थात आपकी अनंत भुजाएं हैं तथा सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपकी अनंत भुजाएं हैं। ये बात अर्जुन ने श्लोक संख्या 16 में भी कही थी कि हे देव, आपके अनेक भुजाएं, उदर, मुख तथा नेत्र हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अर्जुन उसी बात को दोहरा रहे हैं, परंतु श्लोक संख्या 16 में तो अर्जुन ने अनेक शब्द का प्रयोग किया था, परंतु यहाँ पर अर्जुन अनंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में अर्जुन ने कहा था कि हे देव, आपके अनेक भुजाएं हैं, तथा यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपकी अनंत भुजाएं हैं। इस वर्णन से पता चलता है कि अर्जुन जितना अधिक श्री कृष्ण के विश्व रूप को देख रहे हैं, उतना ही अधिक उसमें उन्हें नवीनता का पता चल रहा है। पहले अर्जुन ने अनुभव किया था कि विश्व रूप की अनेक भुजाएं हैं, परंतु अब वे अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि श्री कृष्ण की भुजाएं अनंत हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपकी भुजाएं अनंत हैं। गीता 10:34 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मृत्यु के रूप में जीव का सब कुछ छीन लेते हैं। ये समझने की बात है कि व्यक्ति अपने दो हाथों से क्या क्या पकड़ सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने अनंत भुजाओं से छीनते हैं, तथा व्यक्ति अपने दो हाथों से क्या क्या ले सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण अनंत भुजाओं से देते हैं। इसलिए जो भक्त हैं वे श्री कृष्ण के हाथ से कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि श्री कृष्ण का हाथ ही लेते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि भक्त अपने हाथ से श्री कृष्ण को कुछ नहीं देता है, बल्कि अपना हाथ ही श्री कृष्ण को देता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपकी भुजाएं अनंत हैं। फिर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, सूर्य और चंद्रमा आपके दो नेत्र हैं। ये समझने की बात है कि हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति श्री कृष्ण के नेत्रों से ही आती है। दिन में सूर्य के प्रकाश से हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है, तथा रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस समय तो हम सदा बिजली के प्रकाश का ही प्रयोग करते हैं, अपने घरों के अंदर भी हम सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कम तथा बिजली के प्रकाश का प्रयोग अधिक करते हैं। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो जिस बिजली से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वह बिजली सूर्य की ही शक्ति से प्राप्त होती है। यदि बिजली जल के प्रवाह से बनाई जाती है, तो वह जल का प्रवाह भी सूर्य के ताप से बनता है। सूर्य के ताप से जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है, तथा फिर वर्षा के रूप में ऊपर से नीचे गिरता है। इस प्रकार किसी भी उपाय से बिजली बनती हो, उसका कारण सूर्य की ही शक्ति है। यदि दीपक से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो उसमें जो भी घी या तेल है, वो भी सूर्य की ही शक्ति से बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों को जो भी प्रकाश प्राप्त होता है, वो प्रकाश या तो सूर्य से प्राप्त होता है अथवा चंद्रमा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं।
अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की तीसरी पंक्ति ये शब्द है, पश्यामि त्वां दीप्त होता शिवक्त्रम, अर्थात मैं आपके मुखों को प्रज्वलित अग्नि के समान देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके मुखों में प्रज्वलित अग्नि देख रहा हूँ। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में वर्णन आता है कि जिस समय सभी ब्रजवासी ग्रीष्म ऋतु में यमुना के तट पर श्री कृष्ण के साथ रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय जंगल में भीषण आग भड़क उठी। ऐसी भयानक विपत्ति में ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की इस प्रकार शरण ली, हे श्री कृष्ण, आपके भाग्य से ही हमारी रक्षा होती है, ये भयानक अग्नि हमें समाप्त करने वाली है, आप हमारी रक्षा कीजिए। इति अपने सज्जनों को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण ने उस भयानक अग्नि को पी लिया। इस वर्णन से पता चलता है कि श्री कृष्ण का मुख ही अग्नि का आश्रय है। फिर भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण अपने सखाओं तथा गायों के साथ भांडीर वन में जंगल की आग से घिर गए, उस समय ऐसी भयानक विपत्ति में श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को अपनी आँखें बंद करने की आज्ञा दी तथा उन्होंने उस प्रज्वलित अग्नि को पी लिया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके मुखों में प्रज्वलित अग्नि देख रहा हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं पश्यामी शब्द का अर्थ है मैं देख रहा हूँ। तो अर्जुन देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुख प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। ये अर्जुन की कल्पना नहीं है कि अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं, अर्जुन देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्व रूप में उनके मुख विशाल कंदराओं के समान हैं तथा उनमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति के शब्द हैं, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम, अर्थात हे देव, आप अपने ताप से इस जगत को तपा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप अपने ताप से इस जगत को तपा रहे हैं। इस वर्णन से पता चलता है कि ये जगत हमारे रहने के लायक नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तीन प्रकार के ताप प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अपने विश्वरूप के द्वारा इस जगत को ताप प्रदान करते हैं, इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि हमें इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहिए। अपने गोविंद दामोदर स्तोत्र में बिल मंगल ठाकुर श्लोक संख्या 50 में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं संसार रूपी एक ऐसे कूप में गिर गया हूँ जो मोह रूपी अंधकार से भरा हुआ है और विषयों की ज्वाला से संतप्त है। ऐसे अथाह है संसार रूपी कूप से बाहर निकलने के लिए मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। हमें इस जगत के तापों से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ऐसे श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाल लिखते हैं, तब आदि अंत नाई मध्य रे की कथा ताई तुम्हें हौसे अनंत वीर तुमार बाहु महान तुम्हारे बाहु महान चंद्र सूर्य नेत्रवान तुम्हार होता दीप्त तुम्हारे होता से दीप्त वक्त्र निज तेज राशि द्वारा तप्त करी विश्व सारा व्याप्त तुम्हार सर्वत्र तेज। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तोमार बाहु महान चंद्र सूर्य नेत्रवान, अर्थात हे श्री कृष्ण, आपकी भुजाएं बलशाली हैं तथा आपके नेत्र चंद्रमा तथा सूर्य हैं, इस प्रकार आप ही समस्त जीवात्माओं को शरण देने वाले हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने जो बातें कही हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। और अर्जुन जब कहते हैं कि पश्यामि, तो पश्यामि का मतलब कि मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल्पना करूँ, है ना। तो आजकल के जो ढोंगी भगवान होते हैं, जो अपने को भगवान बताते हैं, जब उनसे कहा जाए विश्वरूप दिखाइए अपना, तो वो क्या कहते हैं कि तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा मान लो, है? तो इस तरह से वे जो है अपने शब्दों के जाल बनाते हैं, तो वे अपना विश्वरूप नहीं दिखा सकते, है ना। लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसा कल्पना करो, तुम मेरे रूप की ऐसी कल्पना करो,
है ना, या फिर अपना जो है वो कुछ है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के द्वारा अपना विश्व बना लेते हैं, तो कई सिर अपने जो है दिखा देते हैं, तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने विश्वरूप की सीडी बना देते हैं, कहते हैं कि मेरे विश्वरूप की तुम सीडी देख लो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, है ना, और वो ऐसा विश्वरूप है कि इन सामान्य नेत्रों के द्वारा देखा भी नहीं जा सकता। हजार सूर्यों का प्रकाश है, हम एक सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते, तो हजार सूर्यों का प्रकाश कैसे हैं इन नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता। तो भगवान नेत्र भी देते हैं, भगवान नहीं कहते कि मेरे विश्वरूप की सीडी देख लो, भगवान अपनी सीडी नहीं दिखलाते हैं, भगवान अपनी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में अपना विश्वरूप नहीं दिखला रहे हैं, भगवान साक्षात अर्जुन को विश्वरूप दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो कहा पश्यामी, तो हर बार अर्जुन कहते हैं पश्यामी कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है पुष्टिकरण कर रहे हैं कि वे कुछ ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण ऐसे होंगे वैसे होंगे, हैं, कृष्ण को साक्षात अर्जुन देख रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।